हेलो एवरीवन स्टडी स्टीसा चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्लास टेन जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई यू ब्रीथ विच टाइप ऑफ चेंज यू फील टू हैव बीन हैपेन देखिए जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है केमिकल चेंज होता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देखिए नेक्स्ट एक्स हैज बीन बर्न एंड आफ्टर बर्निंग अ फाइन व्हाइट पाउडर हैज बीन कलेक्टेड व्हाट इज एक्स बी यू थिंक देखिए हम जानते हैं कि मैग्नेशियम को जब हम बर्न करते हैं तो व्हाइट मैग्नेशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा मैग्नेशियम सो इट्स राइट राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैग्नेशियम नेक्स्ट नंबर थ्री दिस इज अ रिएक्शन वन केमिकल रिएक्शन इज गिवेन अबाउट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आयन एक्सचेंज हो रहा है पी ठीक है पी वी टू प्लस और के प्लस तो पी आयन यहाँ आ रहा है तो पी आई बन गया और के जो आयन यहां आ रहा है तो के एन ओ थ्री बन गया मीन्स आयन जब एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट फोर नंबर देखिए अ असोलूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू वाट मे बी द दीच ऑफ द सोल्यूशन तो देखिए एक रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है कौन सा ऑप्शन ब्लू बना सकता है तो रेड लिटमस को जो ब्लू बनाता है वो क्या होता है बेस होता है तो बेस का पिच वैल्यू क्या होता है सेवन से, से ज्यादा तो सेवन से, से ज्यादा कहाँ है टेन है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख लीजिए फाइंड आउट द मेटल विच इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है कौन मरकरी ठीक है मरकरी का क्या होता है सिंबल एच जी नेक्स्ट नेक्स्ट एनी कंपाउंड डिजोल्व इन विच लिक्विड तो देखिए आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिजोल्व होता है किरोसिन पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होता है नंबर देखिए एन एलिमेंट रिएक्टिंग ऑक्सीजन हैज अ कंपाउंड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट द कंपाउंड इन वाटर द एलिमेंट इज कैल्सियम ओके नेक्स्ट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम का वैलेंसी कितना होता है फोर होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाइल बर्निंग फॉर्म्स ब्लू फ्लेम ठीक है नेक्स्ट

पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन। मीन्स नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का कम होगा रेडियस ऑक्सीजन से फ्लोरीन का कम होगा लेकिन यहां में जो इंक्रीजिंग में दिया है तो इस हिसाब से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन का सबसे कम उससे ज्यादा होगा ऑक्सीजन उससे ज्यादा क्या होगा नाइट्रोजन सो so, ऑप्शन डी डी फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट को क्या बोला जाता है बोला जाता है और ग्रुप एटीन एलिमेंट को क्या बोला जाता है नोबुल गैस बोला जाता है ठीक तो है तो ग्रुप है तो हेलोजन होगा और ग्रुप एटीन रहेगा तो क्या हो जाएगा नोबल गैस और ग्रुप वन को एलकेली मेटल्स नेक्स्ट क्या बोला देखिए एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू एट टू टू हिच ग्रुप डज इट बिलोंग देखिए टू एट टू लास्ट में टू है तो क्या हो गया सेकेंड ग्रुप में होगा मीन्स लास्ट में अगर वन हो मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन हो तो फर्स्ट ग्रुप लास्ट में टू हो डेट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हो तो सेकेंड ग्रुप तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी सेकेंड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वन हो तो फर्स्ट ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर टू हो तो सेकेंड ग्रुप लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री हो या फोर हो या फाइव हो या सिक्स हो या सेवन हो या एट हो तो इसमें प्लस टेन करना पड़ता है तो ग्रुप मिलेगा अगर थ्री हो तो थर्टीन ग्रुप फोर हो तो फोर्टीन ग्रुप लास्ट में अगर सेवन हो बैलेंस मीन सेवन हो तो प्लस करेंगे ग्रुप बैलेंस अगर एट हो तो क्या होगा वो एटीन ग्रुप का होगा देखिए नेक्स्ट वेन फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोलूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सोलूशन टर्न्स ब्लैक सॉरी ब्लू ब्लैक इन कलर दिस इंडिकेट्स द राइस वाटर कॉन्टेंस स्टार्च नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट कन्वर्सन ऑफ सी ओ टू एंड एच टू ओ इन टू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्स सीओ टू प्लस टूएल्व एच टू ओ इन द प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट बिकम सी सिक्स एच ओ ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देखिए सी और डी कंफ्यूज मत होगा सी और डी देखने में तो एक ही है पूरा लेकिन यहां में सनलाइट के जगह क्या हीट एनर्जी इसलिए नहीं होगा ठीक तो है ओके एरोबिक में होता है लेकिन क्या दिया है एनारोबिक तो एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है सो यह गलत है रॉन्ग है नंबर टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यह राइट है रिलीज ऑफ एनर्जी ये भी राइट है रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड ये भी राइट है मीन आंसर क्या होगा टू थ्री फोर आर करेक्ट सो ऑप्शन सी टू थ्री फोर आर करेक्ट नेक्स्ट देखिए नंबर एटीन द इमेज सोज द एक्सकेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ठीक है तो यहां जो इमेज दिया हुआ है ये जो एक्स है एक्स क्या कर रहा है इसका फंक्शन क्या है तो इट एस्टोर्स यूरिन टिल यूरिनेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट नंबर देखिए हुई प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट क्या होगा जाइलम तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जाइलम नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेन्स आर एस्टिमुलेटेड बाय व्हिच ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट वेयर फॉर द फ्रूट आर फॉर्म इसका आंसर होगा ओबरे नेक्स्ट ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉमन फॉर हाइड्राइस्ट एस्पेगरा एंड एमीबा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दे प्रोड्यूस अक्स्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेयर फॉर्म न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड ऑप्शन सी रूट स्टेम एंड लिप्स नेक्स्ट ट्वेंटी फोर नंबर लिखिए इफ अ राउंड ग्रीन सेड टी प्लांट आर आर वाई वाई इज क्रोस्ड विथ रिंकल्ड येलो पी प्लांट आर आर वाई वाई सीड्स प्रोड्यूस्ड इफ एफ, 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 एफ जेनरेशन आर इट्स आंसर इज ऑप्शन ए राउंड एंड येलो ठीक है तो देखिए एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर वन फोर्टी फाइव इंग्लिश बुक का साइंस का इंग्लिश बुक देखिए ठीक है तो ये क्रॉस कराया है कैपिटल आर आर, आर एस्मॉल वाई वाई अगेन स्मॉल वाई वाई केटल स्मॉल आर आर केटल वाई वाई राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो

फॉर ए हायरकी ऑफ ऑर्गेनिजम एवी राइट सो ऑप्शन में राइट आंसर नेक्स्ट वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म याद रखिये कॉन्केव लेंस में हमें क्या होता है इमेज जो है एसमोर बनता है वर्चुअल बनता है इरेक्ट राइट आंसर नेक्स्ट वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास देखिए जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में इंटर करता है तो मान लेते हैं देखिए नॉर्मल हो गया और यहां से एक रे ऑफ लाइट इंटर किया ये से ग्लास मीटर कर रहे हैं जब एयर से ग्लास मीटर करेगा इट तो मीन रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा बेंड टू वर्ड्स द नॉर्मल

टिंडल इफेक्ट द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज एमीटर इलेक्ट्रिक करेंट एमीटर से मेजरमेंट किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजरमेंट किया जाता है नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लाइंसेस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए यूज ऑफ फ्यूज फ्यूज का यूज किया जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करेंट करता है जब हम लोग फैन का स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है उसमें मोटर लगा हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए थर्टी सेवन द इंस्ट्रूमेंट द इंसुलेशन कॉलर ऑफ अर्थ वायर इज अर्थ वायर का जो इंसुलेशन कॉलर होता है वो क्या होता है ग्रीन होता है द इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज टू ट्वेंटी वोल्ट नेक्स्ट वाई बायोगैस कंसिडर एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है बिकॉज इट बर्न विदाउट रिलीजिंग एनी स्मोक मीन यह पॉल्यूशन नहीं करता है नेक्स्ट विच इज यूज मेकिंग सोलर सेल सोलर सेल बनाने के लिए सिलीकन का यूज होता है बर्निंग फोसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमोसफियर विच में कॉज एसिड रेन जब आपका सल्फर का ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये सब क्या करता है एसिड रेन का कॉज करता है ठीक है नेक्स्ट फॉलोइंग द ऑप्शन फॉर डीकम्पोजर्स इन इको सिस्टम चूज द करेक्ट आंसर देखिए डिकोम्पोजर्स क्या होता है डीकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मेटेरियल टू इन ऑर्गेनिक फॉर्म डीकम्पोजर क्या करता है ऑर्गेनिक मेटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन ग्रास ग्रास को गोट खाता है गोट को ह्यूमन सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट द पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर नेक्स्ट अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइड हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द खेजरी ट्रीज तो यहां क्वेश्चन समाप्त हुआ साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का क्वेश्चन पर मैं सोल्व किया हूँ आप उस इम्पोर्टेंट एम सी क्यू का रिविजन कर सकते हैं एग्जाम के लिए अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा वहाँ से आप पी डी एफ ले सकते हैं स्टडी उत्सव चैनल पर मैथ और साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया गया है उसे आप लोग जरूर दिखिएगा उसे जरूर रिविजन करिएगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कॉमन आएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके प्ले में मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू